IPL सीजन 12 के 23वें दिन सुपर संडे का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा, तो वहीं सुपर संडे के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। IPL सीजन 12 के 23वें दिन रविवार को सुपर संडे का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7-7 मैच खेले हैं, जिसमें चेन्नई ने 6 और कोलकाता ने 4 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 13 और कोलकाता ने 8 मैच जीते हैं। ईडन गार्डन्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच यहां कुल 8 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं। सुपर संडे के दूसरे मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 3 में जीत और 3 में हार मिली है। वहीं दिल्ली ने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 4 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के अब तक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 9 और दिल्ली ने 4 मैच जीते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो दोनों टीमों के बीच यहां कुल 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 3 और दिल्ली ने 1 मैच जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।